आज तक के ई एजेंडा के मंच पर आए ज्यादातर मुख्यमंत्रियों की जुबान पर तबलीगी जमात का नाम आया। तमाम मुख्यमंत्रियों ने कोरोना फैलने के लिए तबलीगी जमात के लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। देखिए, तबलीगी जमात का जो कार्य था वह सचमुच बड़ा ही अशोभनीय था। देखिए, बीमारी होना एक विषय है, बीमारी होगा वो अपराध नहीं, लेकिन बीमारी होने के बाद ऐसी बीमारी को जो संक्रामक हो उसको छुपाना, ये अपने आप में एक अपराध है और ये अपराध तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों ने किया है। आज उत्तर प्रदेश में या देश में जहां कहीं भी कोरोना का स्प्रेड देखने को मिला है, इसके पीछे तबलीगी जमात है। अगर उन्होंने इस बीमारी को छुपाया नहीं होता और इसके कैरियर बनकर के वे जगह जगह नहीं चले होते तो संभवतः हम लोग लॉकडाउन के प्रथम चरण में ही कोरोना को काफी हद तक नियंत्रित कर चुके होते। भोपाल में जमात के लोग आए 107 लोग और वो अलग अलग जगह गए। यहाँ भोपाल में भी उनमें से कई पॉजिटिव निकले, उनके कारण भोपाल पॉजिटिव हुआ, फिर यहाँ से वो रायसेन गए, रायसेन पॉजिटिव हो गया, उनमें से कुछ विदिशा निकल गए, विदिशा पॉजिटिव हो गया, बासौदा गए वहाँ पॉजिटिव हो गया, लटेरी सिरोंज गए वहाँ पॉजिटिव हो गया। अगर आप देखेंगे खंडवा में, खरगोन में, उज्जैन में, आसपास के इलाकों में, इसमें तबलीगी जमात के लोगों का बड़ा हाथ है और इस कारण संक्रमण फैला। अब सबको ये ध्यान रखना चाहिए था कि ऐसी बीमारी छुपाने की जरूरत क्या थी। अहमदाबाद में भी ये जो तबलीग जमात के लोगों ने, यहाँ बेरोकटोक मरकज के लोगों ने, यहाँ काफी अहमदाबाद और सूरत में उन लोगों ने भ्रमण किया, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी छुपाई और दूसरों को खुले आम मिलते गए। हमको जब निजामुद्दीन मरकज से खबर मिली थी, वहां पर जो एजेंसी से जो हमको खबर मिली थी कि 126 लोग जमात से जुड़े हुए लोग उत्तराखंड से थे, तो जब हमने उस पर कार्यवाही की तो ये 1435 लोग निकले, 1435 जी, और ये 1435 में से लगभग 300 के आसपास ये अन्य राज्यों में गए उत्तराखंड के जो लोग थे, और बाकी सभी लोगों को हमने एक एक को चुन चुन कर और पकड़ लिया, चिन्हित कर लिया, उनमें अगर संक्रमण था तो उनको अस्पतालों में भर्ती किया।